आईलेस टेस्ट करने का मैंने रिसर्च किया। सबसे पहले टंकी को फुल कराई, उसके बाद से फिर मैंने गाड़ी को चलाई और गाड़ी तकरीबन ये चलाई 301 किलोमीटर। जब 301 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला ली, लेके गया तेल फुल कराने। 301 किलोमीटर फुल तेल में गाड़ी चलाई तो डाउन हुआ 301 किलोमीटर। और तब मैं पेट्रोल पंप पे लेके गया तो 2352 रुपए का देख सकते हैं यहाँ, ये 24 लीटर तेल इसमें आया। 301 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई और तेल भराया मैंने 24 लीटर, ये 12 का एवरेज निकाली है, 12.5 का देख सकते हैं, 12 का एवरेज निकाला है। गाड़ी को रफ एंड टफ चलाया तो 12 का एवरेज निकला और मैंने गाड़ी को कहीं बंद नहीं किया, ना रेड लाइट पे बंद किया, ना किसी से बात कर रहे हैं तब बंद किया। गाड़ी को हाई एक्सेलेरेटर करके चलाया, गाड़ी को लो गियर में मैंने चलाया, दूसरे तीसरे गियर में मैंने हर तरह से चलाया, लेकिन रफ एंड टफ गाड़ी चलाई तो मेरा एवरेज 12 का निकला। फिर मैंने थोड़ा सा और सुधार किया और फिर टंकी को फुल कराई और फिर मैंने गाड़ी को चलाई तो ये मेरी गाड़ी चली है फिर 307 किलोमीटर गाड़ी चली, 307 किलोमीटर, और गाड़ी में तेल आया 2291 रुपए का, यानी 23 लीटर तेल आया। फिर 13 का एवरेज दिया इसने गाड़ी ने, यानी थोड़ा सा अपने को चलाने में सुधार किया। फिर मैंने टंकी को फुल कराई, ठीक है, अब फिर गाड़ी को चलाई तो 312 किलोमीटर गाड़ी चलाई, 312 किलोमीटर चलाने के बाद तेल आया मेरा 2000 रुपए का, देख सकते हैं 20 लीटर, 20 करता हूं तो मेरा माइलेज गाड़ी का आया 15 किलोमीटर का, 15 का माइलेज दिया। और फिर मैंने टंकी को कराई भाई फुल, अभी कराई है इस टंकी को फुल और मैंने गाड़ी चलाई है 331 किलोमीटर, देख सकते हैं 331। अभी मीटर भी ऑन कर देता हूँ, लास्ट रिसर्च था, पहले इसको हल्का सा लाइट करता हूँ ताकि 331.4, ठीक है, और 331 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और तेल कितना आया भाई इसमें, मैंने फुल कराया परसों तो 1549 रुपए का, देख सकते हैं 1549 रुपए का 16 लीटर आया। तो अभी निकालते हैं, एक नंबर का मैंने गाड़ी चलाई जो कहते हैं गाड़ी चलाना, तो 331 भागा कितना लीटर तेल आया, 16 लीटर, तो भागा 16 करता हूं, ये 20 का एवरेज निकाला। और रोड भी आपको दिखाता हूं क्योंकि रोड भी शूट कर लिया मैंने कि रोड कैसे कैसे हैं, यानी 20 का एवरेज निकाला हमने गाड़ी को चला के, इस तरीके से गाड़ी चलाई कि 20 का एवरेज निकला। अब मैं आपको ही बताऊंगा कि अच्छा माइलेज निकालने के लिए, यानी ये खराब रोडों पे भी 20 का एवरेज निकाल लिया गाड़ी को इस तरीके से चलाया, तो मैं तरीका आपको बताऊंगा कि आप भी किस तरीके से गाड़ी चलाएंगे कि अच्छा माइलेज देगा। और कभी भी टंकी फुल कराए तो इसको रीसेट कर दें। अब देखिए जैसे ये टंकी फुल कराया मैंने, फुल हो गया टंकी, अब मैं इसको रीसेट कर दूंगा, 00 हो गया। अब इसको चलाऊंगा 200-300 किलोमीटर, यानी 300 किलोमीटर चलाने के बाद देखूंगा कितना तेल आ रहा है, और जितना भी तेल आएगा और जितना किलोमीटर चलेगा तो उतने किलोमीटर में उतना लीटर का भागा कर दूंगा और मेरा एवरेज निकल जाएगा। ये एवरेज टेस्ट करने का तरीका है। तो अब मैं आपको बताऊंगा तरीका कि किस तरीके से गाड़ी का अच्छा एवरेज निकाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस कदर रोड है, ये बहुत ज्यादा खराब रोड है जिसपे गाड़ी का माइलेज ड्रॉप डाउन होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसे ही रोड हर जगह हो, कहीं खराब होते हैं कहीं अच्छे होते हैं, पर ज्यादातर करके रोड खराब होते हैं। तो माइलेज जानते हैं कि सबसे पहले माइलेज गिरता कैसे, ड्रॉप डाउन किस कंडीशन में होता है वो जान लेते हैं, उसके बाद से हम अच्छा माइलेज निकालने के लिए हम बात करेंगे। तो जैसे ऐसे खराब रोड है, इस कंडीशन में हमारा जो गियर है वो 2 नंबर में चल रहा है, ठीक है, तो जब 2 नंबर गियर में गाड़ी चलेगी तो ड्रॉप डाउन होगा, माइलेज गिरेगा। पहला कि लो गियर में गाड़ी चलेगी माइलेज गिरेगा, दूसरा बहुत ज्यादा रफली गाड़ी को चलाना, जैसे भगाना गाड़ी को रफली, उस केस में हमारा माइलेज डाउन होता है, माइलेज गिरता है, यानी बहुत ज्यादा गाड़ी रफली चलाएंगे तो माइलेज गिरेगा। तीसरा हाई एक्सेलरेशन में गाड़ी चलाना, यानी लो गियर है उस पे हाई एक्सेलरेशन कर रहे हैं, आरपीएम 3000 से ऊपर लेके जा रहे हैं,
तो इस कंडीशन में गाड़ी का ब्रेक डाउन होगा, यानी गाड़ी माइलेज नहीं देगी, ड्रॉप डाउन होगा माइलेज। और चौथा जो है आपका थ्रोटल बॉडी, मैप सेंसर या स्पार्क प्लग, तीनों में रस्टिंग का प्रॉब्लम रहेगा तो माइलेज गाड़ी नहीं देगी, माइलेज गिरेगा। ठीक है, अब हमने माइलेज इतना बेटर कैसे किया, मैंने इन्हीं सब रोड, यही हमारे गांव का रोड, और इन्हीं सब रोडों पे मैं गाड़ी को चला के माइलेज को अच्छा किया, बढ़िया माइलेज बनाया। तो आप भी जान लीजिए कि माइलेज आखिर कैसे मैंने बढ़ाया, किस तरीके से चलाया। तो देखिए, हमने तो थ्रोटल बॉडी क्लीन नहीं किया, लेकिन आपसे मैं कहता हूँ, यदि माइलेज का इशू है आपकी गाड़ी में, अब देखिए सबसे पहले माइलेज ड्रॉप डाउन किस किस वजह से होता है, यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद से मैं आगे का बता रहा हूँ प्रोसेस। ये थ्रोटल बॉडी है, एयर का यहाँ से मिक्सर होता है, ठीक है, एयर यहाँ से जाता है, थ्रोटल बॉडी रस्टी रहा, और थ्रोटल बॉडी का रस्टी क्या, आईएससी वॉल, ये आईएससी वॉल रस्टी रहा तो आपका माइलेज ड्रॉप डाउन होगा 2-3%। ये मैप सेंसर है, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, यानी मैनिफोल्ड में कितना प्रेशर है उसके हिसाब से एयर फ्यूल का मिक्सर होता है, और वो मिक्सचर सही नहीं होगा, ये खराब रहेगा, रस्टी रहेगा, या फिर कोई वायर टूटा रहेगा, तो माइलेज 7-8% माइलेज डाउन होता है। मैप सेंसर खराब हो, माइलेज ड्रॉप डाउन होगा, आईएससी वॉल खराब हो, माइलेज ड्रॉप डाउन होगा। यानी थ्रोटल बॉडी क्लीन कराना है और मैप सेंसर को क्लीन करना है, ये माइलेज के लिए ज़्यादा मैटर करता है। दूसरी चीज, इसका स्पार्क प्लग तीनों को बदल दीजिए यदि रस्टी है तो, ये भी माइलेज का बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन करता है माइलेज। ठीक है, ये तो इंजन से है, इतना करना है, तीन आइटम है, बाकी चला के आपको बताते हैं किस तरीके से माइलेज को बढ़ा सकते हैं, कौन सा तरीका है। अब देखिए, अच्छा माइलेज निकालने के लिए हमारा तरीका क्या होना चाहिए चलाने का, पहला गियर लगाया और उसको 1700 RPM तक हम लेके जाएंगे दूसरा गियर चेंज के लिए, बिल्कुल स्मूथली उठा रहे हैं हम गाड़ी को, स्लोली जैसे 1700 RPM हो जाएगा फिर मैं दूसरा गियर लगाऊंगा, दूसरा गियर लगा दिया, अब बिल्कुल स्लोली हम उठा रहे हैं, अच्छा माइलेज के लिए बता रहा हूँ। अब मेरा जाएगा जैसे ही 1500 RPM, तब तक मैं तीसरा गियर लगा दूंगा, ध्यान देना, नोट करना, अब मैं चलाऊंगा गाड़ी को तीसरे गियर में। अब जैसे ही 1300 हमारा RPM हुआ कि मैंने चौथा गियर लगा दिया, ठीक है, अब चौथे गियर में गाड़ी चलाऊंगा मैं। अब जैसे ही मेरा 1200 RPM आया कि मैंने पांचवा गियर लगा दिया, इमीडिएट लगा दिया पांचवा गियर, अब आराम से चल रहा हूँ कॉन्स्टेंट। अब पेट्रोल जो है ना सूंघ के चलेगी, सूंघ के जो कहते हैं, अब 60 आ गया, अब 60, 70, 80 बस यही है माइलेज का, इसी पे रोक के रखना है मेरे को, 70 पे जैसे मैंने रोक के रख लिया, अब इस पे सूंघ के चलेगी, जो कहते हैं ना पेट्रोल सूंघ के चलना, वो सूंघ के पेट्रोल चलेगी। और चूंकि नेशनल 24 है ये, 27 है, सत्तर अस्सी यही मेंटेन करके चलना है, बिल्कुल सूंघ के चल रही है पेट्रोल, और RPM कोई ज्यादा नहीं है मेरा, इंजन का साउंड कानों तक नहीं आ रहा है, ये सीक्रेट है बस। अब ये देखो, इसमें हमने स्टेबल रखना होता, अभी तो खैर ऐसा रोड है कि स्टेबल नहीं हो पा रहा ज्यादा, जितना स्टेबल करके रखेंगे उतना गुड रिस्पॉन्स देगा, एक नंबर का, ठीक है, वह ऐसे चलते रहेंगे, मजा गाड़ देना गाड़ी ने, टॉप का जो कहते हैं सबसे ज्यादा माइलेज अचीवमेंट करेगा इस स्पीड पे, हमने इसी स्पीड पे अच्छे अच्छे माइलेज निकाला, इसी गाड़ी से 25-25 का माइलेज निकाला मैंने, सिर्फ इस तरीके से, बहुत ज्यादा रफली नहीं चला रहा हूँ, बहुत स्लोली RPM दे रहा हूँ, स्लोली रेस, भागाने को तो अभी बहुत भागे गए, देखिए सुई कैसे मीटर बढ़ने लगा, पर तेल ज्यादा फेंक रहा है, और ऐसे में तेल फेंकेगा तो माइलेज नहीं देगी, देखिए 180 से ऊपर चला गया, अब इंजन का साउंड कानों तक आने लगा तो माइलेज नहीं देगा, अब तेल बहुत ज्यादा फेंक रहा है, लिमिट से ज्यादा तेल फेंक रहा है तो माइलेज कत्ती नहीं देगा, बिल्कुल माइलेज गिरेगा, तो ऐसे नहीं चलाना है, बिल्कुल जितना इंजन रेस मांगे उतना रेस देना है, ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से भर भर के रेस देंगे, तो जितना एक्सीलेटर दबाएंगे उतना ज्यादा तेल फेंकेगा, और जितना कम एक्सीलेटर रहेगा तो उतना कम तेल फेंकेगा। अब इसमें देख लीजिए, 2000 से ऊपर RPM नहीं ले जाना है यदि माइलेज चाहते हो तो,
2000 से ऊपर आरपीएम गया मतलब माइलेज गाड़ी नहीं दे सकती है, यही सीक्रेट है और कोई सीक्रेट नहीं है गाड़ी का। अच्छा का। अभी मैं मुझे लग रहा 100 किलोमीटर जाना है एक जगह, सूंघ के चलेगी पेट्रोल, सूंघ के जो कहते हैं। बहुत ज्यादा भगाना नहीं है मेरे को, स्लोली इसी स्पीड में चलाना है गाड़ी को। 1500 से 2000 के बीच में आरपीएम लेके चलिए और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी हो सके टॉप गियर में गाड़ी को लेके आइए, सबसे बढ़िया टॉप का माइलेज देगा, यही सीक्रेट है और कुछ नहीं है। जल्दी जल्दी चौथे पांचवें गियर में लेके आइए, यानी टॉप गियर में लाइए, 1500 से 2000 के आरपीएम पे गाड़ी को चलाइए, मस्त माइलेज देगा, सही बता रहा हूँ, यही ट्रिक है। फालतू के छोछलेबाजी नहीं बता रहा हूँ मैं कि ये चेक करो वो चेक करो ये चेक करो फलाना डिम का, कहीं कुछ नहीं। इस तरीके से आप गाड़ी को चलाओ ना तो इंजन में फर्क पड़ेगा कोई, गाड़ी का पेट्रोल या डीजल सूंघ के चलेगी और इंजन की लॉन्ग लाइफ ज्यादा रहेगी। ऐसे गाड़ी चला दी तो कम से कम 3.5-4 लाख किलोमीटर तक हमारी गाड़ी में कुछ नहीं होना, लेकिन रफली चलाएंगे, बहुत ज्यादा हाई एक्सीलरेट करके चलाएंगे तो इंजन के अंदर प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं, इंजन खुलने का चांस हो जाता है जल्दी से, माइलेज भी कम देगा, पिकअप भी थोड़े दिन बाद खत्म होने के चांसेस रहेगा। तो स्मूथ 1500 से 2000 आरपीएम ध्यान रखिए और स्मूथ चलाइए, जो गियर का रेशियो बताया उसने उतने रेशियो पे गियर को चेंज कीजिए ना, मजा ना गाड़े तो कह देना। थोड़ा सा इसलिए देख लीजिए हमारा तरीका चलाने का कि हम एक्सीलेटर को बिल्कुल हल्के पांव से चला रहे हैं, हम ज्यादा ही एक्सीलेटर नहीं भर रहे हैं, बिल्कुल हल्के पांव, यानी जितना इंजन मांगे उतना एक्सीलेटर दो, अपने तरफ से मत दो। आप कितना जल्दी कर लोगे, कोई इमरजेंसी है तो भगा के जाओ, कोई दिक्कत नहीं जल्दी की, जब इमरजेंसी नहीं है तो क्या फायदा है, क्या कर लोगे जाके, इससे बढ़िया आप आराम से चलते रहो, पॉइंट टू ड्राइव करते रहो, टेंशन नहीं। अब देखो 70 पे कांटा रुका हुआ है, इस पे सूंघ के चल रही है पेट्रोल, पांचवा गियर लगा दिए, उसके बाद से धीरे 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 अपना आरपीएम बढ़ाए जाओ, 2000 आरपीएम तक जाए गाड़ी आपकी जितनी जाए, 2000 आरपीएम तक गाड़ी को चलाओ, स्टेबल करके चलाओ, जैसे मैं देख रहा हूँ स्टेबल करके चला रहा हूँ, एवरेज 30 का निकलेगा, 35 का निकलेगा, 28 का निकलेगा, कुछ गारंटी नहीं है। और जो खराब रोड होते हैं उसी को मेंटेन करता है ऐसे रोड जहाँ आप स्टेबल करके चलाते हो, ये चीज का ध्यान रखिए। तो स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, जितना बढ़िया स्टेबिलिटी रहेगी माइलेज परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगा, उतना ज्यादा गुड रहेगा, इसी को बोलते हैं स्टेबिलिटी। एक जगह रोक के रखो एक्सीलेटर को, क्रूज कंट्रोल है तो अच्छी बात है, नहीं है क्रूज कंट्रोल तो कोई टेंशन नहीं, पर एक जगह रोक के रखो मजा आ जाना है गाड़ी के अंदर, ठीक है। और बाकी और मैं दिखा देता हूँ कैसे कैसे रोड है, किस किस तरीके के रोड पे मैं गाड़ी को चला के माइलेज को निकाला है मैंने। देख लीजिए रोड कौन सा है, ये गांव का सीन है, चूंकि मैं गांव आया हुआ हूँ और ऐसे रोडों पे मैंने गाड़ी चला के 20 का माइलेज निकाला, और हाईवे पे मैं गाड़ी को हाईवे पे कम से कम 2000 किलोमीटर हाईवे पे चलाया हूँ, मैंने तेल तो 25,000 का डलवा लिया इस महीने में, हाईवे पे जब मैंने गाड़ी को चलाई तो ये 25-26 का एवरेज निकाली है। और रोड इतना ज्यादा खराब है इस पे गाड़ी का माइलेज निकालना मतलब एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। देख सकते हैं रोड कितना खराब है, गाड़ियां भी बजने लगती हैं, इतना ज्यादा रोड खराब है, ऐसे रोडों पे माइलेज कतई नहीं देता है, देख रहे हैं ना कितना। और हमारे वहां का तो रोड जानते ही है, बहुत बुरा रोड है, अब आप देख सकते हैं गाड़ी 40 की स्पीड में है, 40 होने वाली है, लेकिन आप रोड की कंडीशन के हिसाब से समझ सकते हैं कि कितना बुरा स्थिति है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ऐसे ही रोड हो, जगह जगह रोड चेंज होते रहते हैं, कहीं अच्छे रोड होते हैं, इससे बढ़िया रोड भी आते हैं। अब देखिए मैं हाईवे पे पहुंचने वाला हूँ, नेशनल हाईवे है, अब मैं आ गया हूँ हाईवे पे, हमारे वहाँ का हाईवे है, देख लीजिए, मतलब यार वहाँ सिटी का गली का भी रोड भी जो ना इस हाईवे से बेटर होता है, देख रहे हैं ना, ये देखिए ये हाईवे है हमारे वहाँ का, ये हाईवे का सीन है, देख रहे हैं ना, हाय हाय शाबाश, तेरी हाईवे रे, मैं कैसा हाईवे है भाई, रोड इतने बुरे रोड हैं कि क्या बताऊं यार, मैं इसमें मटेरियल नहीं है, खाली गिट्टी गिट्टी है बस,
हर बरसात में इसका बुरा ही हाल होता है। इधर का पूरब का क्षेत्र है, बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बुरा हाल होता है बरसातों में। हम चाह कभी गाड़ी को नहीं हम भगा पा रहे हैं। देखो गाड़ी 40 की स्पीड में चल रही है, थोड़ा मैडम हटे तो मैं गाड़ी की स्पीड बढ़ी। अब देखो कितना बड़ा हाई गड्ढा है। आए हैं अब क्या कह सकते हैं। ऐसे रोडों पे मैंने गाड़ी को चला के हमने 20 का माइलेज निकाला, ऐसे रोडों पे गाड़ी चला के सोचो। ये देखो गड्ढा एक और आ रहा है, तगड़ा गड्ढा देख लीजिए। हाईवे है, इतना स्लो करके गाड़ी को चलाना पड़ रहा है। टूटा ही रोड है तो क्या कह सकते हैं। बिल्कुल खत्म पीस में है यार, इधर तो मुझे लग रहा कोई ध्यान भी नहीं देता है। और क्या कह सकते हैं यार, ये देखो फिर यहाँ टूटा हुआ रोड है, बहुत बुरा। आय हाय हाय, पत्थर तक भी दिख रहे हैं, ऐसा रोड है। तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग भी यकीन करें। ये कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट है भाई, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट, जिला कुशीनगर के पडरौना वाला रोड है, पडरौना से तमकुही रोड वाला। और ये भी हमारे लिए हाईवे है, ये ठीक है, मेन हाईवे है। यहाँ से पडरौना से निकल के, देखिए कितना बुरा टूटा हुआ है, पडरौना से निकल के तमकुही रोड सीधा ये रोड जाता है दुदही होते हुए। अब मैं थोड़ा सा लेकर रोडों का इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि माइलेज अच्छा, यदि मैं इन रोडों पे भी कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं अपने अच्छे रोड पे, सिटी में अच्छा रोड पे चला के गाड़ी को। और माइलेज का बहुत बड़ा इशू है, लोग सोचते हैं गाड़ी में ही प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा तो कुछ ही परसेंट होता है कि गाड़ी में प्रॉब्लम हो, पर बहुत ज्यादा चलाने की वजह से माइलेज लो होता है। अब यहाँ मतलब ही नहीं है कि कोई गाड़ी निकाल दे स्पीड में, क्योंकि रोड ही इतना टूटा हुआ है। आए है, 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 है। अब मैं यहाँ से मैं मोड़ता हूँ, किसी गांव के तरफ मैं घुसाता हूँ, तभी आपको थोड़ा पता पड़ेगा कि गांव में भी रोड कैसे कैसे होते हैं। और ये मैं शाखा कटकुइयां देख सकते हैं, तो कटकुइयां की तरफ मैं गाड़ी को मोड़ रहा हूँ। कुछ गांव के लोग हैं जो बकरी वकरी चरा रहे हैं अपना, पर कोई नहीं। आए है, है, है। ये हालात है इन रोडों का। ये पतला रोड हो गया ना, ये गांव के सिटी का रोड है, जैसे गांव में जो सिटी होती है उनका रोड है। अभी गांव का रोड नहीं है, गांव के सिटी का रोड है। गांव का तो और बुरा होता है, इससे थोड़े पक्के होते हैं वो और बुरे होते हैं, पर ये सिटी का रोड है। देख लीजिए अब यहाँ भाई इतना बुरा टूटा हुआ है, कोई ध्यान देने वाला इधर नहीं है, बस सबका चल रहा है भाई। ये देखो मजबूरी में लोगों ने ईंट बिछाए हैं यहाँ ताकि गाड़ियां निकल जाए। क्या करें, ऐसे रोड पे गाड़ी माइलेज दे रही है यार, काय को माइलेज देगी। देखो आय हाय हाय, शाबाश। ये है भाई रोड जिस पे हम कंटिन्यू गाड़ी को चला चला के अच्छा माइलेज निकाले हैं, तब भी 20 का मारुति ने हमें दे दिया माइलेज है। चल रहा हूँ, देख लीजिए अभी रोड आगे कितना बुरा होगा। ये सब गांव का सीन है। आए है, गाड़ी जो तेज चला लिए तो टायर फटके हाथ में आ जाएगा, इतना भयानक रोड है। क्या करें, बस इसमें तरीके से थोड़ा गाड़ी को हमने चलाया, माइलेज को बढ़ाया। ये लाइव डेटा मैंने दिया आपको, कोई झूठ फरेब नहीं है, बिल्कुल लाइव डेटा है कि गाड़ी का माइलेज ऐसे बढ़ा है इस सब चीज से।
ये देखो टंकी पिछले 18 साल से देख रहा हूँ, टंकी ऐसे कैसे अधूरी पड़ी है, कोई पूछने वाला नहीं है। देख रहे हैं ना, काली हो गई है दीवारें भी इसकी। तो ये 18 साल हो गया मेरे को देखते देखते, 2002 की बात है या 3 की बात है, उस टाइम टंकी बन रही थी, गांव वाले खुशहाली मना रहे थे, अरे टंकी बन रही है पूरा गांव में पानी आएगा। लेकिन आज तक वो टंकी कंप्लीट नहीं हो पाई भाई, पानी कहाँ से आएगा जब कंप्लीट नहीं हुई। तो आए हाय हम आ चुके हैं प्रॉपर सिटी में, और यहाँ का कंडीशन ज़्यादा बुरा होता है, चूँकि गाड़ी सही से चल जाए वही बहुत बड़ी बात है। ये तभी तो रोड देख सकते हैं, इतना बुरा रोड है कि इस पर तो माइलेज बिल्कुल कतई नहीं देगी। इस पर तो माइलेज मुझे लग रहा 3-4 का देगी, जैसा BMW देता है। गाड़ी भी पूरी पलटने को तैयार है, इतना खराब रोड है। पर गाड़ी अच्छा, ऐसा नहीं है कि खराब ही रोड आएंगे, आगे अच्छा रोड भी आएंगे तो उस पर थोड़ा माइलेज कवर हो जाता है। पर यही है कि आप एक्सेलेरेटर को RPM को 2000 से ऊपर मत लेके जाइए, माइलेज खराब रोड में भी माइलेज अच्छा देगा। यानी इन्हीं रोडों पे चला के मैंने माइलेज 8 का माइलेज बढ़ाया है इन्हीं रोडों पे चला के, वरना 12 का दे रही थी जब फर्स्ट में मैंने गाड़ी को चलाई थी। इस रोड पे आइडिया नहीं था ज़्यादा, और रफ एंड टफ भी गाड़ी चलाई थी तो सीधा 12 का माइलेज आया था। लेकिन अभी मैं इन रोड पे माइलेज कम करके, यानी कि एक्सेलेरेटर कम करके माइलेज को बढ़ाया है। वो एक्सेलेरेटर हमने 1.5 से 2000 ही रखा है, उससे ऊपर लेके गए नहीं, हाई एक्सेलेरेटर नहीं किया। जो जो इंजन का साउंड है आपके कानों में नहीं आना चाहिए, ऐसे गाड़ी को चलाना है, ठीक है। तो इस तरीके से गाड़ी चलाएंगे तो माइलेज एकदम टॉप का जाएगा, यही सीक्रेट है माइलेज बढ़ाने का, और कोई सीक्रेट नहीं है। अब क्या करें, रोड ही इतना बुरा रोड है, और ये कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का ये रोड है, ये आलम है। अब थोड़ा हाईवे पे आने वाले हैं, थोड़ा वो बेटर है इससे, पर ये भी तो मेन चीजें हैं, कई सिटियों को लेके मिलाता है। तो ये हाल है इन रोडों का। आए हाय हाय हाय, ठीक है, स्लोली बिल्कुल गियर इसमें चेंज भी करना है तो स्लोली गियर को चेंज करना है। ऐसा नहीं है धड़ाधड़ नहीं, जितना मांगे उतना दीजिए, माइलेज सुधर जाएगा आपका। और ऐसे रोडों पे चला चला के यार 20 का माइलेज निकाल रहा हूँ, सोचो मैं हाईवे पे निकाला 25-26 का। लेकिन ऐसे रोड पे क्या करें जहाँ गाड़ियाँ चलनी मुश्किल है, ऐसे रोडों पे भी मैं बढ़िया माइलेज निकाल पा रहा हूँ। तो चलाने का तरीका जो था वो मैंने आपको बताया। और इतने खराब रोड देख रहे हैं ना, कितना भयंकर टूटा हुआ रोड है, आगे देखो, ये देखो, या तो गाड़ी का कोई पुर्जा टूटेगा इसमें, देख रहे हैं ना। शुक्र है बच गया, कोई टूटा नहीं। ऐसे में या तो चैम्बर फटता है या गाड़ी का कोई पुर्जा टूटता है, चिमटे पिमटे टूटते हैं, पर बच गया। तो गांव की तरफ के ये रास्ते हैं, क्या करेंगे यार, मजबूरी है, झेलना पड़ता है। इधर का तो रास्ता बहुत बुरा है यार, कोई ध्यान भी नहीं देता इधर। तो कुछ इस तरह के भी रोड होते हैं जो गांव के अंदर होते हैं। अभी चलाए जा रहा हूँ इस गाड़ी को, देख सकते हैं जगह जगह अलग 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 रोड होता है, और ये ईंट के रोड है, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि किस किस तरह के रोडों पे चला के मैंने अच्छा माइलेज गाड़ी का निकाला, सोचने वाली बात। ये बहुत पुराने रोड हैं, काफी पुराने मुझे लग रहा है, मैं तो 15 साल से तो मैं देख रहा हूँ, 15-16 साल से कहो इतना थकवा करी। और रास्ते तो मैंने आपको हर तरह का दिखाया, हर तरह के रास्ते पे चलाया, कच्ची पे क्या, पक्की पे क्या। हाईवे चूंकि चल रहे हैं हम, पडरौना कुबेरस्तान हाईवे, अभी था पडरौना तुम तमकुही हाईवे, पर ये पडरौना कुबेरस्तान हाईवे है, समूह रोड है। तो अभी इस हाईवे से भी मैं सोच रहा हूँ उतारूं थोड़ा सा, और हर तो ये अभी मैंने उतार दी है इस वाले रोड पे। और ये जो रोड है ना भाई, RCC है,
लेकिन आरसीसी ही टूट गया है, क्या करेगा कोई, देखो वह गाड़ी चल जाए वही बहुत बड़ी बात है। गड़गड़ 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 इस रोड पे गाड़ी आते के साथ ही जो है ना हालत खराब हो जाता गाड़ी का, पूरी गाड़ी हिल जाती है क्योंकि पत्थर वाला रोड है, मसाला बचा नहीं है, रोड सारे टूट गए। तो मैं सारे ही मतलब लगभग हर तरह के रोड पे टेस्ट कर रहा हूँ गाड़ी को, और आप रोड की देख सकते हैं कितना बुरा है, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं वीडियो में, पर रोड बहुत खराब है चुकी, जो कहते हैं ना भयंकर रोड। अब ये ईंट वाला रोड आ गया, तो वीडियो तो आपने देख लिया, वीडियो चूंकि वो पहले शूट कर लिया था, अभी ये वाला शूट करने से पहले चलाते हुए शूट कर लिया था, रोड भी दिखाना था, हम कह यार घर चल के दिखाई जो देते हैं रोड को, तभी पता पड़ेगा कि माइलेज कितना टॉप का कैसे निकल रहा है। तो अच्छा माइलेज के लिए बस यही है कि पांचवें गियर में ज्यादा से ज्यादा जल्दी चलाइए, ज्यादा से ज्यादा टॉप गियर लगाइए और 2000 RPM रखिए बस। आप 60 से नीचे गाड़ी चलाएंगे माइलेज ड्रॉप होगा, 100 से ऊपर गाड़ी चलाएंगे माइलेज ड्रॉप होगा। मैंने 100 से ऊपर भी हाईवे में गाड़ी को चला के, 130 तक भी गाड़ी को चला के देखा, सुई ऐसे धड़ 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 गिरने लगी तेल की। फिर मैंने उसको कांस्टेंट 80 पे ले गया, 80 से 100 के बीच में रखिए माइलेज एकदम, तो आपका औसतन क्या है 60 से 100 के बीच में माइलेज देगा टॉप, 60 से नीचे चलाएंगे माइलेज नहीं देगा, 100 से ऊपर चलाएंगे माइलेज नहीं देगा। एक्सेलरेटर 1500 से नीचे चलाएंगे माइलेज का शिकायत आएगी, 2000 से ऊपर जाएंगे माइलेज की शिकायत आएगी, पांचवा गियर को छोड़ के कोई और गियर में चलाएंगे माइलेज की शिकायत आएगी। तो माइलेज अच्छा बनाने के लिए सिर्फ दो ही सीक्रेट है, एक गियर आपका पांचवा गियर होना चाहिए और एक आरपीएम आपका 2000 होना चाहिए, ये मेन है। और इमीडिएट रेस मत दीजिए, गाड़ी जितना रेस मांगे उतना देंगे, माइलेज एकदम एक नंबर का निकाल के देगी। और अब न अननेसेसरी आप एक्सेलेटर करेंगे, अपने तरफ से गाड़ी को भगाएंगे तो माइलेज नहीं देंगे, माइलेज ड्रॉप डाउन होगा। तो कुछ माइलेज के लिए था, पता नहीं कैसा आपको इन्फॉर्मेशन लगा, यार अच्छा लगा हो तो लाइक मारिएगा, क्योंकि और तो कोई टेंशन है नहीं, लाइक मार के शेयर मार दीजिएगा औरों को, और अच्छा लगे तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सावधान रहिए।